सो हेलो गाइस, वेलकम आवर चैनल टेक्नो केयर एडिट। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम सीखने वाले कुछ इस तरह का डीजे स्टेटस वीडियो क्रिएट करना। तो आपको भी अपने मोबाइल से कुछ इस तरह का वीडियो क्रिएट करना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीसेट फाइल का लिंक मिलेगा कुछ इस तरह का, प्रोजेक्ट एडिट बाय टीसी एडिट के नाम से। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे हमारा काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यदि आपके पास ये वाला काइनमास्टर नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से 9:16 का रेशियो चूज करेंगे, और इसके बाद नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट प्रोजेक्ट फाइल का। इस पर क्लिक करेंगे और जो आपने डिस्क्रिप्शन से प्रीसेट फाइल को डाउनलोड किया सिंपली आपको उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आपका जो प्रीसेट फाइल है प्रोजेक्ट में बदल जाएगा और सिंपली ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर पहले से ही बीट मार्क किया हुआ मिल जाएगा। और यदि आप फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो फोटो को आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी फोटो को चेंज करना है तो फोटो पे क्लिक करेंगे एंड ऊपर आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी फोटो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी चूज कर लेता हूँ। ओके गाइज, चलिए मैं ये वाला फोटो चूज कर लेता हूँ। सो इस तरह से आप कोई भी इमेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद गाइज आपको सारे इमेज पे क्लिक ग्राफिक अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और फर्स्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और क्लिक ग्राफिक के ऑप्शन पे आएंगे। और इसके बाद आपको स्वीट लाइट्स का क्लिक ग्राफिक यहाँ पर अप्लाई करना है फर्स्ट वाले इमेज पे। यहाँ पे आपको 11 नंबर वाला जो क्लिक ग्राफिक है उसे अप्लाई करना है और यहाँ से टिक करेंगे। यदि आपके काइनमास्टर में ये वाला क्लिक ग्राफिक नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसे वॉच कर लीजिए, आपको भी ये वाला क्लिक ग्राफिक अप्लाई करने आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको सेकंड वाले इमेज पे क्लिक करना है और फिर से आपको क्लिक ग्राफिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम कॉल मी डीजे वाला क्लिक ग्राफिक अप्लाई करेंगे गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंड यहाँ पे हम 2 नंबर वाला क्लिक ग्राफिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से टिक करेंगे और कॉल मी डीजे तो इंस्टॉल करना आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सो इसके बाद गाइज आगे क्या करना है आपको, इसके बाद गाइज आपको यहाँ आगे 3 इमेज पे आपको कॉल मी डीजे वाला 2 नंबर वाला लगाना है गाइज, ठीक है। देखिए इस तरह से क्लिक करेंगे इमेज पे एंड क्लिक ग्राफिक के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कॉल मी डीजे का 2 नंबर वाला क्लिक ग्राफिक अप्लाई कर देंगे गाइज, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से एंड इसके बाद सेकंड वाले क्लिक करेंगे एंड क्लिक ग्राफिक के ऑप्शन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर कॉल मी डीजे का 2 नंबर वाला अप्लाई कर लेना है इस तरह से, ठीक है। आपको यहाँ पर लास्ट इमेज पर क्लिक करना है इस तरह से एंड इसके बाद कॉल मी डीजे पे जाएंगे और यहाँ से 2 नंबर वाला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका हमारा कॉल मी डीजे वाला 2 नंबर अप्लाई हो चुका है यहाँ तक। अब इसके बाद आगे जितना भी आपके इमेज है गाइज, इन सब इमेज पे आपको कॉल मी डीजे 1 नंबर वाला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से इमेज पे क्लिक करेंगे और क्लिक ग्राफिक के ऑप्शन पे जाएंगे और कॉल मी डीजे पे क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पर 1 नंबर वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सारे इमेज पे आपको 1 नंबर वाला कॉल मी डीजे वाला क्लिक ग्राफिक अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस लास्ट वाले इमेज पे आपको कॉल मी डीजे का 2 नंबर वाला फिर से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले से ही अप्लाई है, ठीक है। यहाँ से कट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे सारे इमेज पे क्लिक ग्राफिक अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे गाइस, ठीक है, इस तरह से। और इसको जूम आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा पहले से म्यूजिक भी ऐड है, तो आपको यहाँ पर म्यूजिक ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रीसेट फाइल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। एंड इसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना कुछ इस तरह से और लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको टेम्पलेट वीडियो कोई सा एक चूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक टेम्पलेट वीडियो चूज कर लेता हूँ कोई सा भी, ठीक है। यहाँ से मैंने ये वाला चूज कर लिया। सो इसके बाद आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसके साउंड को म्यूट करेंगे और यहाँ से बैक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो टेम्पलेट वीडियो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है, इसके बाद आपको ब्लीडिंग पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन कर लेना है और यहाँ से टिक कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पे आना है और लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद इसके लेयर को उसी तरह से बढ़ा लेंगे, पूरा फुल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्ट बढ़ा हुआ है उसे ट्रिम कर लेंगे कुछ इस तरह से एंड यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से ऐड कर लेना है बॉर्डर को, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ।
यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद इसके लेयर को पूरा बढ़ा लेंगे एंड इसके बाद इसको बराबर ही करेंगे इतना, ठीक है, और यहाँ स्टिक करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा वीडियो है कंप्लीट बन गया है। देखिए यहाँ पर प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगा। सो इसके बाद आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो आपको आज वाला वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा क्योंकि ये छोटा ट्यूटोरियल था, बहुत ही जल्दी एडिट हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का वीडियो क्रिएट करके आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा व्यूज ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।